कल जो है और अभी ना सब लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो कल कहीं पे चल रही है सासू जी की कॉमेडी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज ना हमारे घर पे आने वाले हैं पंडित जी खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी का महीना चल रहा है तो आज हमारे घर पे आने वाले हैं। तो अभी तक ना हमने खाना पीना नहीं खाया है और मिस्टर जी लोग ना अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिन ना पंडित जी को मतलब किचन में बिठाया जाता है और जो भी सामान देना होता है, मतलब उनको जो भी चावल वगैरह दान करते हैं वो सब किचन पे ही करते हैं। तो हमने भी ना यहीं पे कर रखी है तैयारी। तो ये देखो ये चीज़ें हमने रखी हैं पंडित जी के लिए, तो जब वो आएंगे फिर उनको देंगे। तो दोस्तों अभी ना हमारे सीढ़ी के ऊपर से भी इन्होंने चद्दर लगा दी है, यहाँ पे बना दिया है मोंटी। तो ये देखो और कुछ ऐसा लग रहा है, सुबह सुबह ये ना अपना काम कर रहे हैं और अभी तक पंडित जी नहीं आए हैं। मुझे तो भूख भी लग गई है क्योंकि 10 बजे तक ना हम तो सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे चल रहा है वेल्डिंग का काम और भूख से ना मेरी आवाज़ भी थोड़ा कम ही आ रही है। तो ये देखो कुछ इस टाइप का बना दिया है हमने यहाँ पे और अभी ना यहाँ पे काम चल ही रहा है। इनकी सुबह से ड्यूटी लगी है आज, बाकी आज का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जो हमारा किचन है उसके ऊपर से देखो हमने ये फैब्रिक लगा दिया है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब गाइस ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है ये, और अब ना हमारी सीढ़ी के ऊपर भी मस्त हो गया। तो चलो फिर ये लगे हैं अपना काम पे और हम खा लेते हैं खाना। तो दोस्तों ये देखो इन्होंने ना इस पे वेल्डिंग कर दिया है और अब इसके ऊपर से डालने है वाले हैं ये वाली चद्दर। तो मैं ना यहाँ पे इनकी हेल्प कर रही हूँ, है ना, मैं हेल्प कर रही हूँ ना। तो ये देखो अब हमारा ये मोंटी भी बन के रेडी हो चुका है, बस इस पे ना वेल्डिंग करने की लेट है। और ये देखो अब ना सीढ़ियों से ऊपर आते आते बारिश में भी पानी नहीं आएगा। अरे रील बनाने का ठीक हो गया। अब ये देखो अब ना ये इसको ऊपर चढ़ जा चुके हैं। और गाइस पहले ना ये पन्नी निकालना भूल गए थे देखो, और अब ये पन्नी भी निकालनी है पूरी, आधा ना मैंने निकाल दी है इधर साइड से और उधर साइड को बची हुई है। निकालते हैं इसको पन्नी को, पन्नी निकालना जरूरी है। ये पन्नी नहीं निकालोगे तो बाद में चद्दर बिल्कुल पुराने दिखेंगे। देखो इसकी पन्नी निकालना भूल गया था। तो ये देखो कुछ ऐसे लगेंगे फिर चद्दर, इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी, और इसकी भी तो है एक। तो ये वाला भी ना सेमी हो रखा है, ख़राब हो गए हैं चद्दर बिल्कुल। इसकी शाइनिंग मतलब पन्नी ना उस पर पूरा चिपक जाएगा ना, फिर बहुत बेकार लगता है वो। तो इसलिए ना इसकी पन्नी निकालनी पड़ रही है, और उधर साइड से कैसे निकालेंगे हम। जिंदगी मौत से कम नहीं, आज यहाँ तो कल कहीं। वाह वाह, कल तो हम दो लोगों ने रस्सी पे बांध के रखा था। कहाँ हरियाणा में। तो अभी ना पूजा वगैरह भी हो चुकी है और ये गए हैं यहाँ पे ऊपर। तुमने लगवा रहे टीका? हमने ना लगवा दिया है टीका। ये इनको चाहिए ड्रिल मशीन, वो दे देते हैं और फिर खाएंगे खाना। मेरे को तो ना बहुत ज्यादा भूख लगी है। ड्रिल मशीन लो। दोस्तों ये देखो कैसे कैसे काम करना पड़ रहा है मिस्त्री जी को। डर नहीं लग रही? दारू पी के कर रहे हो क्या काम? तो
तो दोस्तों अभी है दिन का टाइम और अभी बजे हैं दिन के 11:30 हो चुके हैं। तो आज ना सुबह पंडित जी ना काफ़ी लेट आए, तो हमने ना खाना वगैरह भी काफ़ी लेट में खाया था। तो अभी मैं और मिताज ना ग्वाला आ रखे हैं। इधर देखो, यहाँ पे है हमारी बकरी। तो ये ना इतनी शैतानियाँ कर रही हैं, ये तो इसको ना ये डर भी नहीं है कि मैं गिर जाऊँगी। तो दोस्तों अभी ना 12 बज चुके हैं और अब चलते हैं घर को। और बकरी ने भी ना अपना पेट फुल भर दिया। यहाँ पे ना हरी हरी अच्छी वाली घास रखी थी। तो अभी ना मैं और मितान जाएंगे घर को। और मितान यहाँ भी इतनी सैतानियाँ कर रहा है ना, और यहाँ भी ना इसको चैन नहीं है, लगा है चढ़ने पे, ऊपर चढ़ाई पे। मितान सू क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या काम है ये? और ये तो ये है बकरी और बकरी का बच्चा। तो मैंने ना इस पर काफ़ी लंबी रस्सी ला रखी है ताकि इसको दूर तक चढ़ने के लिए हो जाए। और लगता है अब इसका भी चढ़ने का मन नहीं है, तो इसको भी ले चलते हैं। और यहाँ देखो हमारे पर्वतारोही को अभी ना सीख रहा है पर्वतों पे। गिर गया। चलो घर चलेंगे, आ जाओ उठो खड़े। ये तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ दिन का खाना। और आज ना मैं खाना चूल्हे में बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी रोटी भी बनानी है। और इसको देखो ये कैसा कर रहा है। तो दोस्तों अभी ना शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी अपने गांव के पंचायत चौक में, क्योंकि आज ना वहाँ पे साफ सफाई चल रही है। कल राम मंदिर का उद्घाटन है, इसीलिए ना हमारे गांव वाले भी कल कलश यात्रा निकालेंगे, मतलब सभी महिलाएं। तो वहाँ पे ना अभी साफ सफाई चल रही है। तो मेरे को ना अभी आईफोन पहले से बताया नहीं तो मैं जल्दी चली जाती। तो चलो फिर चलते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या कल का प्रोग्राम होता है। और कल निकलने वाली है कलश यात्रा, मतलब कल ना सभी गांव पे निकलेगी, तो हमारे गांव वाले भी करेंगे शायद। और सभी महिलाएं ना वहां पे जा चुकी हैं और मुझे ना फ़ोन काफ़ी लेट आया, तो मैं काफ़ी लेट से जा रही हूं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, दिखाती हूं आप लोगों को क्या क्या कर रहे हैं महिलाएँ वहाँ पर। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर चल रहा है आज सफाई अभियान। यह है हमारे गाँव का पंचायत चौक और यहाँ पर चल रही है सफाई। देखिए सभी महिलाएँ लगी हुई हैं यहाँ पर। तो ये देखो महिलाओं की बहस चल रही है अभी। खाली तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान और अभी ना सब लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे गांव की समस्त महिलाएं। देखो किरण भी झाड़ू मारी है, मारी बुआरी जी। साल बाद होने वाली है सफाई। लस्सी पकड़ा नहीं किरण। देखो पूरा
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रही है सासू जी की कॉमेडी। ये देखो तो सभी लोग ना अभी सासू जी को देखते देखते रह गए। ये देखो सफाई करूंगा सफाई करा तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे गांव का कुआं, जो कि ना पहले यहाँ पे कुआं था, अब पानी तो थोड़ा कम रहता है, तो यहाँ की सफाई भी चल रही है अब। तो ये देखो तो ये देखो सब लगे हैं यहाँ पे, और हमारे सासू जी को देखो इधर दिख हो गई। सबसे बुजुर्ग आदमी है हमारे गांव के, और सासू जी भी लगे हुए हैं। तो धूप भी जाने वाली है। गाइस एक केला भी मिल गया यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ना केले के बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये देखो सभी लगे हुए हैं अभी सफाई करने पे। दोस्तों अभी ना साफ सफाई भी खत्म हो चुकी है और मैं आ गई हूँ घर के लिए। तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, और चलते हैं देखते हैं कल का क्या कार्यक्रम रहता है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। ये देखो ठीक सामने पे ना एक मुर्गी जा रही है, ये हे, एक नहीं दो दो मुर्गियाँ जा रही हैं यहाँ पे।